बजरंगी भाई जान में। हे गाइस, वेलकम टू माय जैसलमेर ट्रिप। तो अभी हम जा रहे हैं अनंतारा रिजॉर्ट के लिए, जो कि यहाँ से 40 किलोमीटर दूर पड़ता है। वहाँ पर एक्टिविटीज़ वगैरह होती हैं, नाइट स्टे भी होता है डेजर्ट में, एंड कैमल राइड, जीप राइड वगैरह, ये सारी एक्टिविटीज़ वगैरह होती हैं। तो अभी टाइम हो रहा है 12, एंड हमें वहाँ 3 बजे तक पहुँचना है, और अभी हम तैयार हो गए हैं। तो सीधा चलते हैं अपन सीधा अनंतारा के लिए, चलिए चलते हैं। तो गाइस, अभी हम होटल से चेकआउट कर चुके हैं, एंड हम जा रहे हैं सम के लिए, सम सेंटे जो बोलते हैं। आप देख सकते हैं पीछे 40 किलोमीटर बता रहा है। तो अभी अपन चलते हैं। सम सैंड ड्यूज जाते समय रास्ते में आपको काफ़ी लोग मिल जाएंगे, जो कि आपको सस्ती रेट्स में सैम कैंपिंग के पैकेजेस ऑफर करेंगे, जिसमें नाइट कैंपिंग, जीप सफारी, कैमल राइड्स इंक्लूड होती हैं। सैम में आप पैराग्लाइडिंग भी कर सकते हैं, जिसके लिए आपको अलग से पे करना होगा। गाइस, फाइनली हम पहुंच चुके हैं अनंतारा रिजॉर्ट, एंड हमें काफ़ी टाइम लग गया, क्योंकि बहुत आराम आराम से आए थे हम गाने चलाते हुए। तो ये आप पीछे देख सकते हैं, ये अनंतारा रिजॉर्ट है अपना। तो अपन चलते हैं सीधा अंदर, चलिए चलते हैं। ये है हमारा टेंट, जिसमें आज रात हम रुकने वाले हैं, देख सकते हैं पूरा। तो अभी अपन चलते हैं बाहर सफारी वगैरह के लिए, तो 4 बजे जाएंगे। अनंतारा रिजॉर्ट यहाँ का एक फेमस रिजॉर्ट है। इसके बोर्ड आपको रिजॉर्ट से 30 किलोमीटर पहले से ही दिख जाएंगे। ये रिजॉर्ट अंदर से भी दिखने में काफी खूबसूरत है, और साथ ही ये काफी बड़ा भी है। तो गाइस, अभी हम पहुंच चुके हैं थार डेजर्ट, जो कि हमारे अनंतारा रिजॉर्ट से सिर्फ 2 किलोमीटर दूर था। यहीं पर हमारी जीप सफारी एंड कैमल राइड होगी। तो अभी हम जा रहे हैं जीप सफारी के लिए, एंड मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इसके लिए। तो चलिए देखते हैं। अभी हम करेंगे कैमल राइड, ये है डेजर्ट, यहाँ पे सारी एक्टिविटी वगैरह होती है। भैया ऊपर बैठे बैठे कर लियो ना। अरे भाई भाई भाई, हम आसमान की ऊंचाइयों में, चारों तरफ रेत ही रेत है। ये मैं हूँ, ये हमारा डेजर्ट है, क्या वही। तो गाइस, हम जा रहे हैं अभी कैमल राइड के लिए। ये आप देख सकते हैं, ये हमारा कैमल है, जिसे हिंदी में बोलते हैं ऊंट। हिंदी पढ़ के आएगा, अरे मैं बोल देता हूँ। भैया आपको कैसा कैसा फील हो रहा है, आपको कुछ कहना चाहेंगे आप? गार्डन गार्डन हो रही है बस, क्या ही बताएं। कैमल के बारे में आप कुछ कुछ कहना चाहोगे कुछ?
गाइस हमारा पैकेज यहीं पे कंप्लीट हो रहा था, लेकिन हमने थोड़ा और एक्सपेंड करवाया है एंड आगे गुफा वगैरह बता रहे हैं, तो हम वो देखने जा रहे हैं। एंड पीछे देख सकते हैं पूरा डेजर्ट। अच्छा ये तार था वो बजरंगी भाईजान में। तो ये भैया हमको अभी बता रहे हैं कि जो बजरंगी भाईजान में इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर था, जिसमें जो फेंसिंग थी जिसके नीचे से सलमान खान मुन्नी को लेके गया था, वो यहीं पे बना था, उसकी शूटिंग यहीं पे हुई थी। Habibi, tu t'envoles, jeden Timmer, wird dem Tüd kann.